सोमवार को जिला मुख्यालय पर मुकदमों की सुनवाई करने की व्यवस्था खत्म होने से खफा अधिवक्ताओं ने बुधवार को एनआईसी बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त कमिश्नर जयंत नार्लिकर और डीएम के विजयन पांडेयन को घेरकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर काफी देर से बहस के बाद कमिश्नर ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि गुरुवार को डीएम की मौजूदगी में बैठक कर इस समस्या को सुलझा लेंगे। गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में कमिश्नर जयंत नार्लिकर और जिला अधिकारी के विजयन पांडेयन, एडीएम सिटी राकेश श्रीवास्तव सहित आला अधिकारी की मौजूदगी में अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी की अगुवाई में बड़ी संख्या में अधिवक्ता सभागार में बैठक करने पहुंचे, जहां पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में बैठक हुई और समस्याओं के निवारण के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर जयंत नार्लिकर और जिला अधिकारी के विजयन पांडेयन, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव सहित आला अधिकारी के अलावा अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी, महामंत्री राम त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। बैठक से बाहर निकलते वक्त अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी ने बताया कि महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को जिला मुख्यालय पर मुकदमों की सुनवाई करने की व्यवस्था खत्म होने से अधिवक्ता अपनी मांगों को लेकर बैठक में शामिल होने आए थे, कमिश्नर के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी ने कहा, आगे विषय वस्तु से आप अवगत हैं, मैं आपको बताना चाहता था, जब से तहसीलों का सृजन हुआ है तब से यहाँ पर मुख्यालय पर सरकार में हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस व्यवस्था को एक झटके में समाप्त किया। मैं कहना चाहूँगा उस समय भी निश्चित रूप से आक्रोश हुआ और एक यहाँ पर आने लगे और न्यायाधिकारी समाप्त कर दिया गया। अब जिलाधिकारी बनने आ रहे हैं और यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, कोई हमको सूचना नहीं है बात को, वो फाइलें भी बंडल बना करके अपना कुछ लोग जैसे शहरीकरण सीमांत को मैंने पहले भी बताया था, 20-25% आबादी शहरों को आ चुकी है, उनके खेत खलिहान जमीन जायदाद आदि गाँव में मौजूद और वो मिलती है उनकी तरवी में। और इसी संदर्भ में अगर मैं कहूँ साल भर के रूप में कार्य करते हुए क्या एक भी इस आशय का कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन आया। बड़ी बात यह है कि जैसे जो 198A का मामला है जिसमें आपराधिक प्रक्रिया चलती है, सजा का विधान है जो बदल करके 129-62 सेक्शन सब सेक्शन 228 हो गया है, उसमें APOs की तैयारी की आवश्यकता है, उसकी सुनवाई संभव नहीं हो पाती। ऐसा भी होता है सर, यह व्यवहारिक सत्य है कि तहसीलों पर दबंगई चलती है और एक आम आदमी आ चुका है तहसील, हमारे ऑनरेबल एडवोकेट को एक मुकदमे में एक पक्ष ने जो है अदालत में गवाही कराते समय भी ये स्थिति तहसीलों की होती है, यह व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक सत्य है। ये उप जिलाधिकारीगण जो तहसीलों से आकर के मुख्यालय पर न्यायिक कार्य करते थे और उनको इस कार्य से रोक दिया गया जिला प्रशासन द्वारा, उसी के संदर्भ में आज कमिश्नर महोदय की मध्यस्थता में ये बैठक थी। नहीं, बैठक के परिणाम से हम निराश हैं, बैठक में कहीं से भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आ सका। कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाने की और वो कुछ तथ्यों को इकट्ठा करने की बात कहा है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, समस्याओं का समाधान उससे नहीं हल होगा। आगे किस तरीके से अब आगे हमारी जनरल बॉडी बैठेगी, जो फिर उस पर विचार किया जाएगा, उनके प्रस्ताव पर फिर आगे जो निर्णय लिया जाएगा उसकी जानकारी आपको दी जाएगी।